राजस्थान सरकार का पहला पूर्ण बजट कल पेश होने वाला है। आपको बता दें, वित्त मंत्री दिया कुमारी इसे पेश करेंगी। एक महिला बजट पेश करने वाली है, तो क्या कुछ आम महिलाओं की या फिर वर्किंग लेडीज़ की राय है, ये जानेंगे। हमारे साथ प्रीति मौजूद हैं। प्रीति महिला वित्त मंत्री हैं, तो जाहिर सी बात है महिलाओं को, फीमेल्स को, जो वर्किंग वुमेन है, वर्किंग बिजनेस वुमेन है, उन्हें बहुत कुछ आशा है इस बजट से। तो क्या आप कहना चाहती हैं या सुझाव अपना रखना चाहती हैं इस बजट में ये होना चाहिए? जी, जैसे कि उमंग जी आपने शुरुआत की कि राजस्थान में एक महिला बजट पास कर रही है, तो ये एक बहुत सौभाग्य की बात है कि देश का बजट भी महिला पास कर रही है और राजस्थान का बजट भी महिला पास कर रही है। तो ये डबल इंजन की जो सरकार है, यहाँ पर एक नई सौगात जैसे कह सकते हैं वो हो सकती है राजस्थान के अंदर। बहुत सारे समीकरण और भी यहाँ पर सामने आ रहे हैं। महिलाओं को उम्मीदें तो हर चीज़ में रहती है, जैसे लाडली योजना थी उसमें भी बहुत सारी उम्मीदें हैं। अब यहाँ पे जैसे सबसे ज़्यादा ये देखा जाए तो अभी जिस तरीके से 50% जो आरक्षण यहाँ पे महिलाओं को भर्ती परीक्षा में दिया है, तो इससे एक भजनलाल सरकार से उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि 50% आरक्षण उन्होंने गवर्नमेंट वैकेंसी में यहाँ पर दे दिया है। तो अब क्या कुछ लगता है कि नई महिलाएं जो कि कॉरपोरेट सेक्टर में है, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप में हैं, क्या उनको भी भजनलाल सरकार तवज्जो दे सकती है या वहाँ पर भी उनको थोड़े उम्मीदें हैं जो महिलाओं को बढ़ रही है? इसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज़ ये देखी जाती है कि जो मातृत्व सुख से जो वंचित महिलाएं हैं उनके लिए केंद्र सरकार ने अभी IVF के लिए योजना निकाली है, तो हो सकता है वो चीज़ यहाँ भी लागू हो जाए और उसकी एक बहुत सारी उम्मीदें हैं उन महिलाओं को यहाँ पर बढ़ गई है। दूसरी चीज़ ये भी देखी जा रही है कि कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो महिलाएं मातृत्व सुख से वंचित है या जो मातृत्व जिनको मिल जाएगा उनको 180 दिन का जो अवकाश है वो भी सरकार की तरफ से मिलेगा। तो बहुत सारी योजनाएँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं बजट से, उम्मीदें तो महिलाओं को काफ़ी कुछ है। अब देखने की बात ये होगी कि ये जो डबल इंजन की जो सरकार है वो क्या महिलाओं की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगी या नहीं उतर पाएगी। मध्य प्रदेश की तर्ज पर हो सकता है कि यहाँ राजस्थान में, भले राज्य स्तर पर हम कहें या फिर आने वाली 23 जुलाई को शायद केंद्र सरकार का भी बजट आने वाला है, तो लखपति दीदी जो योजना जो मध्य प्रदेश में चली थी, उसी प्रकार की कुछ योजना हो सकता है केंद्र के स्तर पर या राज्य के स्तर पर यहाँ पर शुरू हो जाए। अगर ऐसा होता है तो क्या लगता है आपको? जैसे कि आपने कहा कि लखपति दीदी योजना, तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 5 साल यहाँ पर कांग्रेस की सरकार रही, तो उसमें नुकसान क्या हुआ कि जो केंद्र की योजनाएं हैं वो राजस्थान में किसी भी कारणवश या जो भी रहा वो लागू नहीं हो पाई या वहाँ उस तरीके से वर्किंग में नहीं आ पाई। इस बार फ़ायदा यही होगा कि जो केंद्र की योजनाएँ हैं वो राजस्थान में लागू होगी, वो वहाँ उस तरीके से प्रोसेस में भी आएगी और यहाँ पर उम्मीदें हैं इस बार राजस्थान की महिलाओं को बहुत बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि केंद्र में भी महिला है, राजस्थान में भी महिला है। और महिला की अगर बात करते हैं तो देखा जाए तो राजस्थान की पूर्व महिला लीडर वसुंधरा राजे, कल भजन लाल जी ने उनसे मुलाकात भी की है, तो उम्मीदें बहुत सारी है कि महिलाओं को अब जिस तरीके से प्रतिनिधित्व मिल रहा है तो उम्मीदें तो होनी ही है, लाजमी है। ये थे हमारे साथ प्रीति, और साफ तौर पर इनका कहना है कि केंद्र में भी महिला वित्त मंत्री है, राज्य में भी महिला वित्त मंत्री, और जिस प्रकार से भजनलाल जी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मिले थे, तो जाहिर सी बात है कल पेश होने वाले बजट को लेकर महिलाओं को काफ़ी कुछ उम्मीदें हैं कि उनके लिए, भले ही वो एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर हो या लखपति दीदी जिस योजना जिसकी सब बात कर रहे हैं उस प्रकार की कोई योजना हो, या फिर जैसा कि इन्होंने बताया कि मातृत्व सुख से जो वंचित जो महिलाएँ हैं केंद्र के स्तर पर, उसमें IVF की एक सुविधा उन महिलाओं को दी गई है, 180 दिन का अवकाश उन महिलाओं को दिया जा सकता है। इसी प्रकार की कई और योजनाएं हैं जो महिलाओं को लगातार उन्नति के पथ पर अग्रसर करेंगी। उस प्रकार की योजनाओं को लेकर राजस्थान की महिलाएं काफ़ी उत्साहित हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कल राजस्थान की महिला वित्त मंत्री दिया कुमारी जी अपने पूर्ण बजट में क्या कुछ सौगात लेकर आ रही हैं। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।